ये मंदिर 150 साल से भी पुराना है, 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वो देखना है ना, तो ये जो है ना, ये वाला पेड़, ये भी, ये पेड़ जो दिख रहा है ना, वो भी उतनी साल पुराना है। राव साहब, राव साहब है, राव साहब। पता नहीं किसको धो दिया है, किसको धो दिया है, क्या पता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हमारी मॉर्निंग ऐसे ही शुरू होती है। एक का बात दिखा था, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दाग धब्बा, एक ये है ना, ये दोनों दाग धब्बे। उस दिन जब बर्फ़ के गोले पड़े ना, ओले गोले क्या बोलते हैं उसको, वो पड़ा ना, तब ये कांड हो गया। ताम 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 ताम, बॉनेट के ऊपर गिर रहे थे। हैं, ये देख के मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा क्या होगा क्या नहीं, पर ये देखो, दिख रहा है, ऐसे खतरनाक होले पूरे। चलो गाड़ी में बैठ जाए एक बार। हाँ तो भाई, एक नई सुबह, एक नया एहसास, एक नया दिन। तो ज़िंदगी में मोटिवेशन की कमी, हाँ मोटिवेशन की बहुत कमी। मोटिवेशन रोड ट्रिप का, मोटिवेशन गाड़ी चलाने का, है ना, उसकी बहुत कमी है। ऐसा मोटिवेशन आ जाए कि रात को बैठे हैं, खाना खा के जस्ट सोने की तैयारी कर रहे हो, और दिमाग में आए कि यार चलो गाड़ी लेके रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। ऐसा मत, विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बिना रोड ट्रिप पे निकल जाओ, ऐसा मोटिवेशन चाहिए ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मेरे अंदर ये चीज़ आ गई ना, समझ लूँगा सब कुछ मिल गया, मैं सक्सेसफुल हो गया। बस ये चीज़ चाहिए ज़िंदगी, ऐसा मोटिवेशन चाहिए। मतलब बैठे बैठे ऐसे ख्याल आए, चलो अभी निकलते, और ऑन द स्पॉट निकल जाए, ना किसी को लेके चलना है, ना अकेले सोलो, या किसी को फ़ोन कर दिया, कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो अकेले निकल गए। ये ज़िंदगी, ज़िंदगी में ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल ऑफिस निकला हूँ, देखो अभी ऑफिस जाके क्या शेड्यूल बनता है, किधर जाना है, है? वैसे सैटरडे है तो सोच तो रहे हैं हनुमान जी मंदिर जाए, और देखो एक बार शुभम भाई को कॉल करूँ, क्या बोलते हैं, किस तरह से शेड्यूल है। पहले ऑफिस का काम खत्म कर देते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। तुझसे मिला जो ये तेरा साथ है, तुम्हें खोया रहूं मैं, क्यों जाऊं बेवजह। हाँ जी, तो ऑफिस तो आ गया था मैं। अब ऑफिस आके मैंने क्या किया है कि मोबाइल को वापस से वो वाला स्टैंड में लगाया है, जो मोबाइल होल्डर आता है ना, जो व्लॉगिंग के लिए आता है। मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपको, आगे वाले व्लॉग में कहीं आपको दिखाया था ये, तो ये वापस से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लिया तो है पर यूज़ एक ही बार किया है। देखो ये इसमें आपको अगर दिखेगा तो, ये देखो दिख रहा है, ये स्टैंड, ये वाला, हाँ तो ये वाला, क्योंकि वो वाली ट्रिप में, साउथ इंडिया वाली ट्रिप में ये लेके गया था, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ, मुझे याद है, एक ही बार निकाला था। जब हम मुरुदेश्वर टेम्पल में निकले ना बाहर, तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना मैं, वो स्टैंड लगा के किया था, उसमें से भी आधा तो मैंने निकाल दिया था स्टैंड। तो मतलब मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर, इससे प्रैक्टिस करूँगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इससे ये कन्वीनियंट बहुत है, ये मतलब व्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अगर बैक कैमरा, जैसे अभी मैं ये बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ, अगर मेरे को आगे वाली दिखानी है, मेरे पीछे वाली चीज़ें, देखो ऐसे करके दिखा रहे हो, जैसे कि अपनी गाड़ी है वो, हाँ तो वो ऐसे करके दिखा सकता हूँ। इस तरह से स्टैंड है, वापस से देख लो एक बार। तो बाकी हाथ में पकड़ के करते हैं ना, तो जब फ्रंट कैमरा होता है ना, तो उसको घुमाना के लिए रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ता है, फिर बैक कैमरा करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। और इसमें एक चीज़ क्या रहेगी कि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना होगा ना, तो कर पाऊँगा मैं। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट मेन चीज़ तो ये है कि पब्लिक में व्लॉगिंग करना होता है ना, तो थोड़ा शर्म आता है, या जो भी समझ रहे होंगे आप, क्योंकि क्या हमारे यहाँ अहमदाबाद में ये व्लॉगिंग का इतना क्रेज़ नहीं है, इतना सबके ध्यान में नहीं है। दिल्ली मुंबई में जैसे सब लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो सबको पता है कि हाँ व्लॉगर है, व्लॉगिंग कर रहे होंगे, पर यहाँ पे थोड़ा वो होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो इसलिए ये चीज़ है। पर खैर, वो सब चीज़ें सोचना की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना है, आधा आया है, आधा और जगाना है, आ जाएगा धीरे धीरे, रोज़ व्लॉगिंग करेंगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा।
है ना। हाँ भाई, गाड़ी में पुश बटन की कमी खलती है ना। पुश बटन होता ना तो ऐसे वो बाहर पॉइंट कीलेस एंट्री वाला बाहर पॉइंट और अंदर जाके पुश बटन, ये चाबी जो होती है ना इधर लटकी होती है खींचे में होती, इसमें तो ये दबाओ सामान हाथ में होता है, अनलॉक करो फिर डालो गाड़ी के अंदर, बहुत दिक्कत है। पुश बटन को मिस करता हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, फिर कभी ये गाड़ी निम्मे नहीं तो और कोई गाड़ी लेंगे, हैं ऊपर वाले की कृपा रही तो उस बटन वाली लेंगे। हाँ तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:30 और आज सैटरडे है तो निकले हैं हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के लिए एक स्पेशल जगह पे। दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो अभी जाएंगे शुभम भाई के घर पे, भाई घर पे है तो उनको उठाएंगे, फिर चलेंगे मंदिर। चलो उनके पास जाते हैं। लो जी भाई, पहुँच गए उनके घर पे राजश्री हाइट और यहाँ से भूमापुरा जा रहे हैं हनुमान जी टेम्पल। 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे, 38 मिनट लगेगी, 24 किलोमीटर है। चलो अभी भाई को फ़ोन करते हैं कि भाई जल्दी से आ जाओ नीचे, इनको भी पहले पूछना पड़ेगा कौन सी गाड़ी लेके जाना है, थार लेके जाना है मर्सिडीज लेके जाना है। और पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिन से जैसे जब भी बाहर जाते हैं दिन के टाइम पे काम से तो मर्सिडीज लेके ही जाते हैं। अभी पूछते हैं, सबसे पहले उनको बुलाते हैं। प्यार तो आ गए भाई, आ जाओ, आराम आराम चल रहा है आराम। अभी इसको मैं इधर लगा देता हूँ, रुको। बोलो। हाँ, ये अलवेश यादव का बहुत चल रहा है। राव साहब पता नहीं किसको धो दिया क्या पता। सो चलो अभी इनके घर से निकल रहे हैं भूमापुरा, 39 मिनट और गाड़ी मर्सिडीज घर पे ही है। जा रहे धीरे आराम आराम से, थोड़ा जल्दी निकले ताकि क्या दिन के उजाले में जाके वापस आ जाए। नशा खत्म का ही नहीं होता। अरे हाँ भाई, कल भाई थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल भांग ले लिया था, वो ओरिजिनल भांग पता नहीं कहाँ से कौन लेके आया, कहाँ से मंगवाई, थोड़ा पिया और जो हालत खराब हो गई भाई। नहीं पीने का जिंदगी में, भांग नहीं पीने का। एक दुनिया है मच दी, चार पड़ जांदा अख दी, वांगू तुरे आते रानी बड़े हो दुनिया दे कड़े ने चाहते वो भी तेरे आम बिना गल तो जदों करूं निकला स्टोरी पाके ने तेरी छोड़ लगे जट जिंदगी च प्यार दी ही थोड़ लगे जट। पार्किंग के पार्ट बदल गए क्या, सब अलग अलग हो गए क्या है? सब जगह पे अलग अलग। चलो अब यहीं कहीं पार्किंग कर लेते हैं फिर जाते भाई। यहाँ के भजिए फेमस होते हैं, इसको ये पेड़ के नीचे बैठे ये सारे भजिए वाले बहुत फेमस है। इधर आओ ना भूमापुरा, भजिए खा के जरूर जाइए भाई, भजिए जोरदार गोटे भजिए, और दर्शन करते हैं अंदर। हो गए दर्शन। ये मंदिर 150 साल से भी पुराना है, 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो देखना है ना तो ये जो है ना ये वाला पेड़, ये भी ये पेड़ जो दिख रहा है ना वो भी उतनी साल पुराना है। पीछे ये भजिए खाते हैं लोग वहाँ पे, ये पेड़ जितना ये मंदिर पुराना है उतना ये पेड़ पुराना है, 150 साल। और अभी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ गाड़ी में बैठ के। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था ये जो भूमापुरा है वो अहमदाबाद नड़ियाद हाईवे पे आया हुआ है। एक्चुअली अहमदाबाद नड़ियाद से आगे बड़ौदा सूरत और एक वो नेशनल बड़ौदा एक्सप्रेस वाला हाईवे है और एक दूसरा ये वाला हाईवे है। तो यहाँ पे आए हुए अहमदाबाद नड़ियाद हाईवे पे आना पड़ेगा आपको, अहमदाबाद से लगभग 17-18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास। तो काफ़ी प्राचीन जगह है, 150 साल से भी ज़्यादा, 150 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पुराना मंदिर। बहुत लोग आते हैं, सैटरडे को पूरी रात मंदिर चालू होता है।
पहुंच गए, अब इनको छोड़ देते हैं और हम जाते हैं आगे अपने ऑफिस पे। बुरानी पे जाना है ना? चलो चलो चलो, अब यहाँ से जाए हम दूसरी वाली ऑफिस पे, थोड़ा काम है ना। कैमरा इधर लगा, सबसे पहले कैमरा इधर चालू, गाड़ी में बात नहीं करने की, ऐसे इधर लगा के बात करने की। ये किसके लिए रखा है? इसी चीज के लिए रखा है। हाँ जी भाई, हो गया हमारा काम अच्छा सा, मंदिर में दर्शन भी हो गए। एक्चुअली पहले जाता था मैं, काफ़ी दिनों से मैं भी नहीं गया था, तो मैंने बोला चलो इस बहाने दादा के दर्शन भी कर लेंगे और थोड़ा सा हल्का फुल्का घूम के भी आएंगे और कल का ड्राइव भी हो जाएगा। जाते टाइम मैंने चलाई, आते टाइम भाई ने चलाई, तो ऐसे हमारा सफ़र कंप्लीट हुआ। तो अभी एक्चुअली थोड़े कस्टमर आ रहे हैं तो बुरानी पे जाऊंगा, मतलब हमारा दूसरा जो शोरूम है बुरानी ऑटोमोबाइल्स, वहाँ पे जाऊंगा और कस्टमर अटेंड करूंगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सैटरडे है, कुछ खास है नहीं, घर पे भी शायद थोड़ा जल्दी जाए। तो ये था हमारा आज का दिन, कल संडे है, कल कुछ प्लान कर रहे हैं, होप सो रात तक फाइनल हो जाए तो कल गड्डी लेके निकल जाएंगे। एक दिन गड्डी लेके तो निकल जाएगा, बाकी 16-17 का अपना प्रोग्राम तो मस्त है में फर्क समझ रहे हो ना, MUST वाला मस्त और मस्त वाला हिंदी वाला मस्त, क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया वो। चलो चलो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, मिलते हैं कल के कार्यक्रम में। टिल देन सुख रहो, शांत रहो, सलामत रहो, सी यू एंड सायोनारा।